एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है दैट कनेक्ट्स वेस्ट बंगाल विद तमिलनाडु तो ये प्रम्स के लिए फैक्ट पूछा जा सकता है बहनगा रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें सो इट इज लोकेटेड ऑन खड़गपुर पुरी लाइन एंड इट इज पार्ट ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन लाइन अंडर खड़गपुर रेलवे डिविजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन इट हनागा इन बहनागा इन बलसोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और इस मैप में आप देख सकते हैं कि बलसोर कहाँ पे है बहनागा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है उड़ीसा में साथ में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि वट स्टेप्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस ट्रेन एक्सीडेंट्स नाउ रिसेंटली इंडियन रेलवे कवच, एन डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर रिजल्टिंग इन सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड ओवर स्पीडिंग साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष इन टू थाउजेंड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल रेलवे सेफ्टी एसेट्स Indian Railways has also adopted that technological upgradation in safety aspects of coaches by introducing modified center buffer couplers and bogie mounted air brake system BMBS. So the conventional ICF design coaches are being replaced by LHB design coaches, which have been designed by Germany. ICF stands for ल कोच फैक्ट्री एंड एल एच पी स्टैंड फॉर लिंक हॉफ मैन बुश डिजाइन कोचेस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो यूजीसी ने गाइडलाइन इशू करी है ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज पेपर के पेज ट्वेल्व पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू एजुकेशन के लिए रेलिवेंट है नो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच रिप्लेस द यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलशन ऑफ टू थाउजेंडी इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट क्वालिटी फोकस डीम टू बी यूनिवर्सिटीज एंड रेगुलेशंस आर इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 नाउ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज The term hai, presently is part of the UGC Act of 1956, but in coming days it will be removed once the Higher Education Commission of India is established through an Act of Parliament. Now, the eligibility criteria to apply for deemed to be university status is NAC A grade with at least 3.01 CGPA for three consecutive cycles, or NBA accreditation for two thirds of eligible programs for three consecutive cycles, or in the top 50.

so as to prevent the default on us debt repayments once this deal is signed into law by the president joe biden it will allow the federal government to borrow money until after the next presidential election in november 2024 the debt ceiling has been suspended until 2025 this allows them to pay their bills until that date the agreement keeps non-defense spending flat next year with a 1% rise in 2025 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीमा वाहक के बारे में ये टॉपिक कुछ दिन पहले भी हमने हेडलाइंस ऑफ द डे में कवर कर रहा था अभी दोबारा से न्यूज में है ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर थ्री इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है नाउ आई आर डी ए आई द इंश्योरेंस रेगुलेटर इन इंडिया इज एमिंग टू इम्प्लीमेंट बीमा वाहक नाउ आई आर डी ए आई ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर द बीमा वाहक स्कीम Which aims at improving the last mile connectivity to raise rural insurance access. This scheme is a core component of IRDAI's Insurance for All by 2047, that is the 100th year of India's independent school. Under the scheme, Bhima Vahaks will gain the trust of locals for the distribution of. था and General Studies paper to international के लिए रिलेवेंट है नेंच ओपन चल रहा है एंड सर्बिया के नोवाक जोकोविक उन्होंने जब मैच जीता तो उसके बाद उन्होंने कहा कोसोवो इज हार्ट ऑफ द सर्बिया तो इसी बैकग्राउंड में कोसोवो का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं इसका अगर स्टेटस देखें तो कोसोवो इज अ पार्शली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट लोकेटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप इट इज अ लैंड कंट्री इन द बाल्कन पेनिजुला विच बॉर्डर्स अल्बेनिया नॉर्थ मेसिडोनिया मोन्टेनेग्रो एंड सर्बिया फ्रेंड्स सराउंड कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रिलिम्स में यूपीएससी प्रेम्स 2023 में भी यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आया था तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसकी कैपिटल है प्रिस्टीना द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ कोसोवो आर दर्ज

अगर ये स्टेप इंप्लीमेंट हुआ देन इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट सॉल्ट कैवन बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी अभी इंडिया के तीन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, दो आपके कर्नाटका में लोकेटेड है वन एट मैंगलुरु जो थर्ड आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनमेंटेड है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन एट्टी फाइव परसेंट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट दस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैन एनश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अगर हम ये देखें हाउ आर सोल्ट कैवन बेस्ड रिजर्व आर डिफरेंट फ्रॉम रॉक कैवन बेस्ड रिजर्व तो

ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर वन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए रेलेवेंट है नाउ रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट करी है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का म्यूरल डिस्प्ले करा गया है नाउ नेपाल में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है इस म्यूरल के ऊपर वो इस वजह से क्योंकि इस म्यूरल को पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये अखंड भारत है यूनिफाइड इंडिया का मैप है बट इसमें लुम्बिनी जो नेपाल में लोकेटेड है ज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा उसको भी इसमें लोकेट करा गया है तो नेपाल इस वजह से है कि को इंडिया का पार्ट दिखाया जा रहा है अगर हम अखंड के बारे में बात करें तो अखंड कंसेप्ट ऑफ अफाइडर इंडिया इट असर्स द मॉडर्न डे अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मॉल डीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका वन नेशन ये कंसेप्ट सबसे पहले के ए मुंशी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रपोज करा था फॉलोड बाई वीट सवार

International Development Association, third is International Finance Corporation, fourth is Multilateral Investment Guarantee Agency, and fifth is International Center for Settlement of Investment Disputes. In Pach, me say International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association, they make the World Bank. एंड जो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन है दे मेक द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड दिस बैंक इज हेड क्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी इन द यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इसके नए सेक्रेटरी जनरल एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं तो पहले सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात कर लेते हैं ये टॉपिक है आपका ऑल इंडिया रेडियो पे आया था जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल रेलिवेंट है नाउ अर्जेंटीना की सेलेस्ते सोलो हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ द वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन होता है यह हर चार साल में एक बार कंडक्ट करा जाता है इसी के रिलेटेड दूसरा टॉपिक है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के जो अब्दुल्ला अल मंदोस है ही हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ ईयर टर्म फ्रॉम टू एंड ही विल सक्सीड गेरहार्ड एड्रियन ऑफ जर्मनी इसी बैकग्राउंड में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के की फैक्ट पढ़ लेते हैं सो इट इज अ अलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर मेट्रोलॉजी दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियो फिजिकल साइंसेज इट कम्प्राइस वन नाइन्टी थ्री मेंबर स्टेट्स एंड टेरेटरीज इसकी गवर्नेस के बारे में बात करें सो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द डब्ल्यू एम ओ विच मीट एवरी फोर इस इट वॉज एस्टैब्लिश इन नाइन फिफ्टी

आई पी सी सी एंड इन फैक्ट डब्लूम नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टैबलिश द आई पी सी सी इन नाइनटीन एटी एट सो फ्रेंड्स ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइन थी आई होप यू लाइक डिट फॉर मोर अपडेट ऑन करंट अफेयर यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम थैंक यू